जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 8:57 हो गई है, 8:57 AM। मार्केट अभी 20 मिनट के बाद खुलने वाला है। मैं फटाफट आपको आज का चाय पे चर्चा फटाफट बताता हूँ। पहले डिस्क्लेमर एक बार देख लीजिए। डिस्क्लेमर देखना बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। ये मेरे हर वीडियो के टाइटल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको पढ़ लीजिए आप, आराम से बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट कि आज करना क्या है। मैं दो शब्दों में जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में आपको शुरू से ख़रीदारी करनी है और आपको स्टॉप लॉस यही रखना है जो कल का लो है। कल का लो आपका 11084 है, स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ। तो 11080 का स्टॉप लॉस रखिए आप। शुरू से ख़रीदारी करिए और ख़रीदारी को एग्रेसिवली और बढ़ा दीजिए जब 251 क्रॉस करेगा। 251 क्रॉस करेगा तो और ख़रीदारी को बढ़ा दीजिए। और आज का लगभग टारगेट रहेगा आपका, पहला टारगेट 300, दूसरा टारगेट आपका 360 के करीब, 350 के करीब। पहला टारगेट आज का 300, दूसरा टारगेट 350 के करीब। लेकिन उस समय माल एक बार निकाल दीजिएगा, प्रॉफिट को बुक करिएगा। ऐसा नहीं कि कल के लिए कैरी करना है। ठीक है, तो आज शुरू से ही खरीदारी, आज की क्लोजिंग आई है शायद 153 की, तो 153 के हिसाब से आप स्पॉट के हिसाब से खरीद लीजिए। और 250 के बाद और तेज़ी होगी, और ज़्यादा तेज़ी होगी, याद रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा है, 11080 जो कल का लो है वो आपका स्टॉप लॉस है। 11084 है कल का लो और आज का स्टॉप लॉस 11080। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया, बाकी मार्केट दिखाएगा आपको। तो मैंने कल वीडियो में यही ताकत से बोला था आपको कि आज 150 से 200 पॉइंट की कन्फर्म तेज़ी है। बैंक निफ्टी में भी आप शुरू से ख़रीदारी करिए और जैसे ही बैंक निफ्टी 21415 को क्रॉस करता है, 21415 को क्या लिखिएगा, और तेज़ी बढ़ेगी। और आज आपको 21900 के आसपास बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा, वहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। वहाँ होशियारी नहीं बताना है, कल भी बढ़ सकता है लेकिन हमको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।